हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन, यानी कि हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपने देखा कि स्प्लिटिंग मैथड, कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मैथड एंड यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, यू कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भाई, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इससे पहले का जो वीडियो मैंने अभी बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम स्प्लिटिंग मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो उसकी जनरल फॉर्म देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो पहले हम स्प्लिटिंग मेथड को जनरल फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा और उन एग्जाम्पल्स को करके आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं और कैसे हम उसके जीरोज या रूट्स फाइंड करते हैं। देखिए, तो जनरली हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट ए है और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म सी है, तो सबसे पहले आप ये थोड़ा रफ वर्क होता है या आप इसको इंटरनली अपने माइंड में करते हैं, ए और सी का पहले आप प्रोडक्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ए सी आ सकता है, लेकिन ये ए सी की दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि ये ए सी या तो पॉजिटिव ए सी होगा या नेगेटिव ए सी होगा, ठीक है। बाद में हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से यहाँ एक कांस्टेंट लिखा है, यहाँ एक कांस्टेंट लिखा है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन से हमें रिजल्ट मिलेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए, पॉजिटिव के लिए अलग रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, नेगेटिव अगर एसी है तो इसके लिए अलग रूल चलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर एसी पॉजिटिव है तो देखिए मैं बोलूँगा कि अगर एसी पॉजिटिव है, ए और सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आप इस एसी प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर्स मुझे बताइए, ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिनका सम शुड बी इक्वल टू बी। तो जो भी आप एसी के फैक्टर करेंगे उन फैक्टर्स का सम बी के इक्वल होना चाहिए। देखो, बी आपका यहां दिख रहा है, एक्स का कॉफिशेंट है। अब इस साइड आ जाइए आप, अगर आपको एसी जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव मिली थी, अगर वो निगेटिव मिली थी तो उस एसी के आप ऐसे फैक्टर्स कीजिएगा जिनका डिफरेंस शुड बी इक्वल टू बी। तो ठीक है, एक बार देखिए, दोबारा देख लीजिए, अगर एसी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है तो आप एसी के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जिनका सम बी के इक्वल होना चाहिए, और अगर आपका एसी प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आप एसी के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका कंप्लीट स्प्लिटिंग मेथड है जनरल फॉर्म में। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, ये पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके लिए, एग्जांपल नंबर वन, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा गाइज कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला है, क्या वो अपनी जनरल फॉर्म में है। तो जनरल फॉर्म में ये अभी इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। और अभी देखिए इस पर स्प्लिटिंग मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सिक्स और थ्री, ए और सी का आप प्रोडक्ट करेंगे, सिक्स थ्री जा एटीन आपको मिला है, और देखिए सिक्स पॉजिटिव है, थ्री नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो माइनस एटीन मिलेगा, सो इट इज नेगेटिव प्रोडक्ट। और अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आप इस एटीन के ऐसे फैक्टर करेंगे
जिनका डिफरेंस 7 के इक्वल हो, ये आपकी देखो बी की वैल्यू है, तो आपको यही देखना है कि आपको इस 6 3 18 जो आपका निगेटिव है, इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 7 हो। तो देखिए कैसे किस तरह से आप ये फैक्टर्स करेंगे, 6x² - अब आपको यहाँ 7 नहीं लिखना है, 7 को रिप्लेस कर देंगे उन फैक्टर्स से। और देखिए हमने 18 के फैक्टर कर लिए हैं, 9 2 18, तो हमने यहाँ लिखा 9 - 2, और देखिए ये भी अभी 7 के इक्वल ही है। हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, इक्वेशन को में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बस उसका फॉर्म थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि हम स्प्लिटिंग मेथड को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे प्रोसीड कर लेते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। देखिए इधर से माइनस का प्रोडक्ट हुआ, यहाँ से एक्स का प्रोडक्ट हुआ, आपको मिला -9x + 2x - 3 = 0। अभी आप देखिए इन दोनों टर्म्स में आपको मैक्सिमम क्या कॉमन मिल सकता है, तो आपको यहाँ से कॉमन मिल रहा है 3x, और रिमेनिंग पोर्शन विल बी 2x - 3। यहाँ से आपको कुछ और कॉमन नहीं मिलता, तो आप 1 को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। फाइनली आपको दो फैक्टर मिलने वाले हैं, 2x - 3 × 3x + 1 = 0। अभी आप इनको 0 के इक्वल में रख देंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी x = 3/2। दिस इज योर फर्स्ट जीरोज और फर्स्ट रूट, एंड द अदर साइड में आप देखिए 3x + 1 = 0, 3x will be equal to -1 एंड x will be equal to -1/3। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको एक को अल्फा या एक को बीटा भी कह सकते हैं, ये आपका अल्फा है और अदर आपका बीटा है। तो चलिए गाइस एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल इज √2x² + 7x + 5 √2 = 0। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले आप इस a की वैल्यू और इस c की वैल्यू का प्रोडक्ट कर लीजिए, ये आपका इंटरनली माइंड में आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये रफ वर्क है। तो आपका इनका प्रोडक्ट देखिए आ जाएगा 5 × 2 = 10। √2 की प्रोडक्ट √2 से होगा तो आपका 2 मिलेगा, और 2 5 जो आपका 10 हो जाएगा। तो अभी आपको 10 जो मिला दैट इज पॉजिटिव, और अगर ये 10 पॉजिटिव है तो हमारी स्प्लिटिंग मेथड का रूल ये कहता है कि आप 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 7 हो। तो देखिए नेक्स्ट लाइन, √2x² + 5 + 2x + 5 √2 = 0। ये आपने फैक्टर कर लिए 7 के, जिनका सम तो देखिए 7 है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 10 है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, √2x² + x की प्रोडक्ट कीजिए, 5x + 2x + 5 √2 = 0। अभी आप इन दोनों टर्म्स में से जो भी मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपको कॉमन मिल रहा है यहाँ पर x, √2x + 5। यहाँ देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल सकता है, तो एक यहाँ 2 लिखा है देखिए, और 2 और √2 में आप जो कॉमन ले सकते हैं फैक्टर वो आपके लिए होगा √2, बिकॉज 2 इज द स्क्वायर ऑफ √2। ये √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आप एक √2 तो कॉमन ले ही सकते हैं। रिमेनिंग विल बी √2x + 5। तो आप देख सकते हैं देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर आपका सेम आ गया, इसको आप कॉमन ले सकते हैं √2x + 5 × x + √2 = 0। अभी आप क्या कीजिए, इक्वेट दोज फैक्टर्स विद 0, आप इनके इक्वल में 0 रख दीजिएगा तो आपको x की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए √2x = -5 एंड x will be equal to -5/√2। अदर साइड में आ जाइए, x + √2 = 0 एंड x will be equal to -√2। तो रिक्वायर्ड जीरोज आपके आ चुके हैं, आप इसमें से किसी एक को अल्फा
और किसी दूसरे को बीटा भी कह सकते हैं। तो देखा गाइज आपने किस तरह से हम स्प्लिटिंग मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं और एक्स की दोनों वैल्यूज मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपके लिए आपको दूंगा कुछ होमवर्क, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको फैक्टराइज कीजिएगा और उसके रूट्स मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि उस गिवन इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। तो चलिए गाइज आपके लिए मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। आपका होमवर्क है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और इसको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में कॉपी पेन लेकर आप सॉल्व कीजिए और इसके जो भी रूट्स आते हैं एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी, जैसे आप देख रहे हैं एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, ऐसी इसकी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसका रिजल्ट आने वाली है, इसके रूट्स आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।